हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन रहता है, ठीक है? प्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो देखो, एग्जाम में जो हमारा स्क्रीन रहता है ना, वहाँ पे डायरेक्शन क्या दी होगी आपको, इस तरीके की डायरेक्शन दी होगी स्क्रीन पे, आपको ये सब लिखा हुआ है। मतलब ए प्लस बी मीन्स इज द फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स इज द वाइफ ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स इज द ब्रदर ऑफ बी, ए डिवाइड बाई बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। तो आपको करना क्या है, आपको जो आपका जो ए फोर साइज शीट का दिया होता है, रफ पेपर दिया होता है, उस पर आपको पहले ये सब नोट डाउन कर लेना है, फिर आपको बार बार स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब लिख लिया। देखो यहाँ लिखे मीन्स ए इज अ फादर ऑफ मी, मतलब पहले से दूसरे को हम जा रहे हैं, मतलब ए टू बी जा रहे हैं, ठीक है? तो मतलब मीनिंग क्या है इसका, प्लस का मीन्स है फादर, तो मैंने लिख लिया प्लस का मीन्स है फादर, माइनस का मीन्स है वाइफ, एक्स का मतलब है ब्रदर और डिवाइड का मतलब है डॉटर। तो देखो जा कैसे रहे हैं हम, ए टू बी जा रहे हैं, ठीक है? तो हमेशा याद रखना फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चंस किस टाइप के रहते हैं यहाँ पे, पहला जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, तो गाइस ये चेक करो। देखो पहला क्वेश्चन मुझे बोल रहा है इफ पी डिवाइडेड बाय आर प्लस एस प्लस क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से मुझे ट्रू बताने कौन सा ट्रू है। तो पहले मुझे इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये जो मेरा स्टेटमेंट दिख रहा है। तो देखो हमें पैटर्न के फॉलो कर रहे हैं, मतलब ए टू बी जा रहे हैं ना हर में, तो मतलब वैसे करके जाना है मुझे, बनानी है डायग्राम। पहले पी से आर की बनाऊंगा, फिर आर से एस, फिर एस से क्यू की डायग्राम बनाऊंगा। तो देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है डॉटर। तो हम इसे रीड कैसे करेंगे, पी के डॉटर है किसकी, आर की, ठीक है? तो इसकी वाले हम डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम कैसे बनेगा, पी क्या है, देखो पी बोला है डॉटर है किसकी, आर की। तो ये मैंने बना लिया, ये मेरा इतना बन चुका है पी टू आर। अब आर टू एस मुझे ड्रॉ करना है, तो आर टू एस कैसे जाऊंगा, प्लस का साइन क्या होता है आपका, फादर। तो आर क्या है, तो फादर ऑफ एस, तो आर जो है फादर है इसका, तो इसका कोई भाई या बहन होगा, मुझे उसका जेंडर नहीं पता है, तो मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है? ये भी मेरा कंप्लीट हो गया आगे तक। और एस प्लस का मतलब फिर से फादर, तो एस इज़ अ फादर ऑफ क्यू, एस क्या है, फादर है किसका, क्यू का, ठीक है? तो मतलब इसका बेटा या बेटी कोई भी हो सकते हैं। तो इन तीनों के जेंडर क्लियर है, लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है मुझे। तो मुझे चेक करना है इनमें से कौन सा मेरा ट्रू रहेगा। पी इज़ अ डॉटर ऑफ क्यू, देखो पी क्या है, डॉटर है, क्योंकि ये तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, ये तो गलत है ना, पी की डॉटर होती तो यहाँ होनी थी ना, और ये तो भाई बहन आपस में, शादी तो इसकी हुई है ना इस वाले की, तो डॉट ये जो डॉटर और कुछ भी हो गई तो इसका हो गई, तो ये वाला पहला वाला क्या हो गया मेरा, गलत हो गया, पहला ऑप्शन नहीं होगा मेरा। नंबर टू क्या, क्यू इज़ आंट ऑफ पी, क्यू क्या है, आंट ऑफ पी। देखो आंट क्यू कैसे बनेगी, क्यों तो नीचे वाली जनरेशन में है, आंट पी को बनना चाहिए क्यू का, ठीक है? तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। नंबर थर्ड बोल रहे पी इज आंट ऑफ क्यू, पी इज आंट ऑफ क्यू। अब देखो ये जो है मेरा, ये मेरा ट्रू हो जाएगा। नंबर थ्री जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू होगा, देखो आर जो है, आर की एक बेटी है पी, पी का एक भाई है एस, ठीक है? तो मतलब एस का बेटा हुआ क्यू, और क्यू की आंट पी बन कैसे रही है, देखो क्यू एस जो है ना, एस की एक बहन पी है, तो क्यू की क्या लगेगी, वो आंट लेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाला पी इज आंट ऑफ क्यू की हो जाएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा। तो नंबर थ्री इसमें ट्रू होगा। देखो हमें ड्रॉ कैसे करना है, कभी कभी पता क्या होता है एग्जाम में, जैसे यहाँ दिया है ना, मैं ए प्लस बी मीन्स इज द फादर ऑफ बी, तो कभी कभी एग्जाम में इसका रिवर्स दिया होता है, बी प्लस ए मीन्स बी इज द फादर ऑफ ए, तो रिवर्स करके भी दिया होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये सेम डायग्राम है जो हमने पहले अभी क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं उसी का सेम डायग्राम, लेकिन क्वेश्चन नंबर टू है। तो क्या बोल रहा है, इफ पी माइनस आर प्लस क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहले मुझे इसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरे वो साइंस कौन कौन से थे, यहाँ साइंस लिख लेता हूँ मैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है? ये चार साइंस थे मेरे। तो प्लस का मतलब क्या, आपका फादर, ठीक है? माइनस आपकी वाइफ होगी, एक्स आपका ब्रदर हो गया, और डिवाइड क्या हो गया, आपका डॉटर हो गया, ठीक है? तो अब चेक करते हैं, ड्रॉ करते हैं, क्या बोल रहे हैं, पी माइनस आर प्लस क्यू, तो माइनस क्या हो गया आपका, वाइफ। तो पी इज़ अ वाइफ ऑफ आर, ठीक है? तो पी क्या है, वाइफ है किसकी, आर की। तो ये मेरा बन गया, तो आर ऑब्वियसली मेल पर्सन होगा, पी से आर मेरा कंप्लीट हो गया, और आर से क्यू जाने पर प्लस बोल रहा है, तो आर इज़ अ फादर ऑफ क्यू, आर इज़ अ फादर ऑफ क्यू, ठीक है? ये मेरा बन गया डायग्राम। मेरे बोले क्यू का जेंडर तक मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है? यहाँ पे तो अब मुझे बोल के रहा है ये ऑप्शन चेक करने कि कौन सा वाला ट्रू रहेगा। तो पी इज अ मदर ऑफ क्यू, देखो पी इज अ मदर ऑफ क्यू, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, तो इसमें पहला वाला मेरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पी ऑब्वियसली मुझे पता है मदर है किसकी, क्यू की। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो उनका एक बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है। तो यहाँ बोल रहा है पी इज अ मदर ऑफ क्यू, यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि पी इज क्यू इज द सन ऑफ पी या क्यू इज द डॉटर ऑफ पी, ऐसा कुछ नहीं बोले, यहाँ सिर्फ ये बोला कि पी इज अ मदर ऑफ क्यू, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है वो सॉल्व करते हैं।
तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाई क्यू. तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पहले मुझे इसे ड्रॉ करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई का मीन होता है ब्रदर, तो पी इज अ ब्रदर ऑफ आर, इसका मतलब है पी इज अ ब्रदर ऑफ आर. तो पी को मुझे क्या बनाना है, ब्रदर बनाना है किसका, आर का. तो मैंने ये बना दिया है, और आर से क्यू में डिवाइड का साइन आ रहा है, तो मतलब डॉटर. तो आर क्या हो गई, डॉटर हो गई किसकी, क्यू की. ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, लेकिन क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पे. अब चेक करते हैं, पी इज अंकल ऑफ क्यू, ये बोल रहा है पी के अंकल ऑफ क्यू, ये तो गलत हो जाएगा. अंकल कहाँ से बनेगा, ये पी इज अ फादर ऑफ क्यू, ये तो गलत है. फादर तो इनका क्यू बनेगा, फादर या मदर में से क्यों ऊपर वाला बनेगा, नीचे वाला होना बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा. पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, नहीं ये भी नहीं होगा हमारा. पी इज अ सन ऑफ क्यू, पी इज अ सन ऑफ क्यू. देखो ये सही बोल रहा है. देखो क्यू का तो मुझे पता है जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन पी का जेंडर क्लियर है, तो पी तो सन ही होगा, तो पी इज अ सन ऑफ क्यू, तो ये सही बोल रहा है. सन के ऊपर वाली जनरेशन जो रहती है वो फादर मदर की रहती है. ठीक है, तो ये सही बोल रहा है. तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ मेरा इसका टू आंसर रह जाएगा. तीन क्वेश्चन हो गए, नंबर फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो फोर्थ क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर आपके, पी मल्टीप्लाई आर माइनस क्यू. ठीक है, ये मुझे सॉल्व करना है पहले. तो मल्टीप्लाई का मीन है ब्रदर, तो पी इज़ अ ब्रदर ऑफ आर, ये हो जाएगा. ठीक है, पी के है ब्रदर हो गया किसका, आर का हो गया. मैंने ड्रॉ कर लिया, आर से क्यू के लिए माइनस का साइन है, तो वाइफ हो गया. तो आर से क्यू, आर इज ए वाइफ ऑफ क्यू, तो आर क्या हो गई, वाइफ हो गई किसकी, होगी क्यू की. ठीक है, आर इज ए वाइफ ऑफ क्यू, ऐसा आएगा. ठीक है, ये बोला ना माइनस का मतलब वाइफ है, तो ऑब्वियसली क्यू जो है यहाँ मेल पर्सन हो जाएगा. ठीक है, मेल पर्सन क्यों होगा, देखो आर वाइफ बता रहे हैं, जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है तो एक हस्बैंड होगा तो दूसरी वाइफ होगी, तो यहाँ वाइफ मुझे पता चल गई, तो ऑब्वियसली दूसरा क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा. चेक करते हैं, नंबर वन के बोल रहा है पी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, पी क्या है ब्रदर इन लॉ है किसका, क्यू का. तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो मुझे और कोई चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि मेरा ये पहला, और ये बोल रहा है पी इज अ ब्रदर ऑफ क्यू, तो ब्रदर नहीं बनेगा, ब्रदर इन लॉ ही होगा, अंकल भी नहीं होगा, फादर भी नहीं होगा, तो पहला वाला जो है मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. नंबर फोर्थ मेरा हो गया. नंबर फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो नंबर फिफ्थ चेक करते हैं क्या बोल रहा है, पी प्लस आर डिवाइड बाई क्यू. ठीक है, तो प्लस का मीनिंग होता है आपका फादर, तो पी इज अ फादर ऑफ आर, ये जो हो गया ना इतना, पी इज अ फादर ऑफ आर, तो पी को मैंने फादर बना दिया आर का. ठीक है, आर से क्यू के लिए डिवाइड बोला, डिवाइड मेरा डॉटर, आर इज ए डॉटर ऑफ क्यू, तो आर क्या है, डॉटर है किसकी, क्यू की. तो ऑब्वियसली बात है, अगर क्यू की डॉटर हुई तो क्यू इसकी मदर होगी, तो पी और क्यू हस्बैंड वाइफ हो गए. ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम बन गया. अब चेक करना है मुझे, पी इज अ ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज अ ब्रदर ऑफ क्यू, गलत बोल रहा है. ठीक है, पी इज सन ऑफ क्यू, पी इज ए सन ऑफ क्यू, देखो पी तो हस्बैंड वाइफ है, सन कहाँ से हो जाएगा, पी इज ए हस्बैंड ऑफ क्यू, पी इज ए हस्बैंड ऑफ क्यू, तो ये क्या बोल रहा है मेरा, नंबर थ्री ट्रू बोल रहा है. पी मेल मेंबर है और ये क्यू के फीमेल है, तो पी इज हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ को रिलेशन रिलेशन शो करने के लिए डबल लाइन का यूज़ करते हैं, और सिस्टर और ब्रदर का अगर हमें फाइंड आउट करना हो, मतलब सिस्टर ब्रदर के रिलेशन को शो करने के लिए सिंगल लाइन से हम बताते हैं. मदर और फादर के लिए भी क्या रहता है हमारा, सिंगल लाइन रहता है. ठीक है, नहीं मदर और सन के लिए भी सिंगल रहता है, मदर और डॉटर के लिए, फादर और सन के लिए वैसे रहेगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि डायग्राम बनता कैसे है. तो फाइव क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिक्स क्वेश्चन क्या है वो आगे पढ़ते हैं. तो ये चेक करो, ये बोल रहा है पी डिवाइडेड बाई आर प्लस क्यू, तो पी से आर जाने पर मुझे डिवाइड का साइन आ रहा है, तो मतलब डॉटर, तो पी क्या हो गई, पी इज अ डॉटर ऑफ इसकी, आर की डॉटर होगी. ठीक है, अब आई के बोल रहे हैं प्लस का साइन बोला मतलब फादर, आर इज द फादर ऑफ क्यू, तो आर क्या हो गया, फादर हो गया किसका, क्यू होगा. ठीक है, ये मेरा डायग्राम बन गया. तो मुझे बोला क्या चेक करना है, नंबर वन पी इज अ फादर ऑफ क्यू, पी इज अ फादर ऑफ क्यू, ये तो गलत बोल रहा है. पी इज अ ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज अ ब्रदर ऑफ क्यू, नहीं ये तो सिस्टर है. पी इज अ मदर ऑफ क्यू, पी इज अ मदर ऑफ क्यू, ये भी गलत बोल रहा है. पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो देखो पी इज अ सिस्टर ऑफ क्यू, तो ये क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है. क्यू का जेंडर नहीं पता लेकिन पी का मुझे पता है, तो यहाँ यही बोल रहा है पी के सिस्टर है, ऑब्वियसली पता है पी जो है हमारी सिस्टर है किसकी, क्यू की है, तो ये सिस्टर और ब्रदर ही हैं, या फिर सिस्टर सिस्टर हो सकते हैं, बस मुझे क्यू का जेंडर नहीं पता है ना, तो मुझे पूछा भी नहीं है, मुझे तो पी की तरफ से रिलेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हो गया मेरा, ये बन गया, नंबर सिक्स हो गया. नंबर सेवन क्या बोल रहा है, तो गाइस ये क्वेश्चन है नंबर सेवन, क्या बोल रहा है, पी मल्टीप्लाई आर प्लस क्यू बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई होता है हमारा ब्रदर, तो यहाँ लिख देता हूँ पी के, पी इज अ ब्रदर ऑफ आर. ठीक है, और आर से क्यू जाना है, तो प्लस बोल रहा है, प्लस क्या होता है आपका, फादर होता है, तो आर इज अ फादर ऑफ क्यू, तो आर इज अ फादर ऑफ क्यू, ये मेरा डायग्राम बन गया है. इसका क्यू का जेंडर नहीं पता मुझे, तो चेक करते हैं, पी इज अंकल ऑफ क्यू, पी इज ए अंकल ऑफ क्यू, तो मेरा ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो मेरे को बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, देखो क्यू का एक फादर है आर, और आर का एक भाई है पी, तो क्यू का क्या लगा, वो अंकल लगा. ठीक है, पी क्या हुआ, अंकल हुआ किसका, क्यू का. तो ये मेरा पहला ये क्वेश्चन ठीक हो गया. ये नंबर एट्थ क्या बोल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है.
तो ये लास्ट क्वेश्चन है, नंबर 8 के बोल रहा है पी माइनस आर मल्टीप्लाई क्यू, ठीक है। तो माइनस होता है हमारा वाइफ रहता है, तो मैं तो पी इज़ ए वाइफ ऑफ आर, तो पी इज़ ए वाइफ किसकी होगी, आर की। तो आर ऑब्वियसली क्या बन गया, मेल पर्सन बन गया। मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई होता है आपका ब्रदर, तो आर इज़ ए ब्रदर ऑफ क्यू, आर इज़ ए ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है। क्यों का जेंडर नहीं पता है मुझे, आइदर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला चेक करता हूँ, पी सिस्टर ऑफ क्यू, तो पी इज़ ए सिस्टर ऑफ क्यू, नहीं ये गलत है। क्यू इज़ हस्बैंड ऑफ पी, क्यू इज़ हस्बैंड ऑफ, ये भी गलत है। पी सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, देखो पी जो है ना सिस्टर इन लॉ बन रही है, क्यों हर एक मैटर में सिस्टर इन लॉ बन रही है, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर मेल होगा तब भी सिस्टर इन लॉ बनेगी, फीमेल होगा तब भी सिस्टर इन लॉ ही बनेगी। तो मेरा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर 3, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें यही करता हूँ। देखो हमने एक ही क्वेश्चन पढ़ा है इस तरीके का, ये रहता है आपका थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहता है, ठीक है। तो इस टाइप की हमें डायरेक्शन दी होती है, तो हमें क्या होता है पहले इन इन सिंबल्स को फाइंड आउट करके पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका क्या होगा, बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। तो कल कल के जो क्वेश्चन रहेंगे ना हमारे, कल हम थोड़े और बढ़िया तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसी टाइप के पढ़ेंगे थोड़ा। तो आज का वीडियो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो क्या लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, मतलब कुछ समझ आया होगा, तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, तभी करना है अगर आपने कुछ क्या किया है, गेन किया है इस वीडियो से, ठीक है। अगर आपने कुछ गेन किया है इस वीडियो से, तो आपको चैनल को लाइक करना है, और वीडियो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और ये सब चीज़ जो मैं बताता हूँ ना, इसे आप नोट डाउन कर लिया करो कॉपी में, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रहते हैं तो वो आपको याद रहने चाहिए। कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना हो ना, तो पहले बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ो, उसके बाद जाके हाई लेवल और मॉडरेट लेवल की मतलब अप्रोच करना चाहिए हमें। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप बोलोगे कि मुझे हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बेसिक से ही हाई लेवल वाले बनते हैं। तो आपको ये करना है, आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना है, 1.5 आवर या 1 आवर जितना भी आपको लेना है, आप लोग बड़ी वीडियो बढ़िया तरीके से पढ़ो, ये क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको और अंदर से क्या आती है, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मैंने किया है, मैंने खुद सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप खुद सॉल्व करो, उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है आपको, तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर फिर से और कुछ मतलब वीडियो प्रोवाइड कराना हो, तो मैं वो भी करवा दूंगा, बस आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो वहाँ वीडियो के नीचे कि हमें समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ, बाय, टेक केयर, बढ़िया तरीके से पढ़ना।